हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 29 अप्रैल 2023 की द हिंदू वोकैबुलरी करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं आज के हमारे पहले वर्ड की ओर। तो हमारा पहला वर्ड है सर्ज। सर्ज का अर्थ होता है बहुत सारे व्यक्तियों या वस्तुओं की एक विशेष दिशा में उमड़ पड़ने की प्रक्रिया, यानी अ सडन स्ट्रॉन्ग मूवमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होगा। इसका सिनोनिम्स होगा वेव और स्वेल। इसका एग्जांपल सेंटेंस की बात कर लेते हैं। देयर हैज़ बीन अ सर्ज इन अ इन हाउस पीसेस रिसेंटली। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। और हमारा वर्ड है फिल्प। फिल्प का अर्थ होता है कुछ ऐसा जो किसी गतिविधि को बढ़ावा देने का काम करता हो, यानी उसको उकसाना भी बोल सकते हैं, यानी समथिंग विच एक्ट एज अ स्टिमुलस और बूस्ट टू एनी एक्टिविटी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं, बूस्ट और इनक्रेजमेंट। इसका एग्जांपल सेंटेंस होगा, द हेवलिंग ऑफ कार्टेक्स वुड प्रोवाइड अ फिलअप टू सेल्स। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है नोड। नोड का अर्थ होता है सिर हिलाना, अपनी स्वीकृति जताने या किसी को काम करने का इशारा करने के लिए, यानी नवाना, यानी टू मूव योवर हेड अप एंड डाउन एज अ वे ऑफ सेइंग यस और एज अ सिंग साइन टू समबडी टू डू समथिंग। यानी इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब होगा वर्ब। सिनोनिम्स की बात करते पंप और स्वेस का सिनोनिम्स हो जाएगा। एग्जांपल सेंटेंस की बात कर लेते हैं, एवरीबडी एट द मीटिंग और नोडिंग इन एग्रीमेंट। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है नोटवर्दी। नोटवर्दी का अर्थ होता है रोचक या महत्वपूर्ण। इसका पार्ट यानी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट, दैट इज़ वर्थ नोटिसिंग। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं, नोटेबल और मेमोरेबल। इसका एंटोनिम्स होगा अनरिमार्केबल। इसका एग्जांपल सेंटेंस होगा, इट इज़ नॉट वर्दी दैट वन थर्ड ऑफ स्टूडेंट डू नॉट पे एनी ट्यूशन फीस। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है टोपल। टोपल का अर्थ होता है अस्थिर होकर लुढ़क जाना, यानी टू बिकम लेस स्टडी एंड फॉल डाउन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो जाएगा। इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं, फॉल और स्टम्बल। और इसका एंटोनिम्स होगा राइज और स्टैंड अप। इसका एग्जांपल सेंटेंस की बात कर लेते हैं, डोंट ऐड अनदर बुक टू द पाइल और इट विल टोपल ओवर। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है अंडरकरंट। अंडरकरंट का अर्थ होता है प्रच्छन्न या गुप्त मनोभाव, यानी अ फीलिंग सम स्पेशली अ नेगेटिव वन दैट इज हिडन बट वोज इफेक्ट आर फेल्ट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होगा। सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं, अंडरटो। इसका एग्जांपल सेंटेंस की बात कर लेते हैं, आई डिटेक्ट एन अंडरकरंट ऑफ रिसेंटमेंट टूवर्ड्स द न्यू प्रोपल्स। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टेनस। स्टेनस का अर्थ होता है किसी विशेष पर सार्वजनिक रूप से व्यक्त दृष्टिकोण। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। मीनिंग की बात कर लेते हैं, द ओपिनियंस दैट समबडी एक्सप्रेस पब्लिकली बट समथिंग। इसका सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं, सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके एटीट्यूड और पोइज। इसका एग्जांपल सेंटेंस होगा, द डायरेक्टर्स स्टैंड्स ऑन
द इश्यू ऑफ अबॉर्शन इज वेल नोन। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट वर्ड है कल्प्रिट। कल्प्रिट का अर्थ होता है दोषी या अपराधी, इस यानी अ पर्सन हु हैज़ डन समथिंग रॉन्ग। पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा इसका नाउन। सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं, ऑफेंडर और क्रिमिनल। एंटोनिम्स होगा इसका लॉमैन और गैंगबस्टर। एग्जांपल सेंटेंस होगा इसका द पुलिस कैच द कल्प्रिट ए मेरे टू ब्लॉक्स फ्रॉम द सीन्स ऑफ द क्राइम। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं और हमारा नेक्स्ट वर्ड है गम्पशन। गम्पशन का अर्थ होता है साहस या तथा संकल्प, यानी करेज एंड डिटर्मिनेशन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं विजडम और विट। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके इम्प्रूडेंस और इनडिस्क्रिमिनेशन। इसका एग्जांपल सेंटेंस की बात कर लेते हैं, एग्जांपल सेंटेंस हो जाएगा इसका सी हैड द गम्पशन टू रिपोर्ट द इंसिडेंट टू द पुलिस एंड इंश्योर जस्टिस वाज डन। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं और हमारा वर्ड है ऑप्टिमल। ऑप्टिमल का अर्थ होता है सबसे अच्छा या सबसे अनुकूल, यानी बेस्ट और मोस्ट फेवरेबल। ऑप्टिम इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं एक्सीलेंट और एक्सेप्शनल। और एंटोनिम्स हो जाएंगे इसका कॉमन और मीडियम। एग्जांपल सेंटेंस होगा इसका ही कीप्स हिज इंजन टर्न्ड फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। इसका करेक्ट इसका एग्जांपल हो जाएगा। और नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट इडियम फ्रेज है द आइसिंग ऑन द केक, यानी समथिंग दैट मेक्स अ गुड सिचुएशन इवन बेटर, यानी कुछ ऐसा जो अच्छी स्थिति और भी बेहतर बनाना। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट इडियम फ्रेज है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी अत्यधिक महंगा होना टू बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। यानी कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का अर्थ होता है अत्यधिक महंगा होना। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं और हमारा नेक्स्ट एडियम फ्रेज है जंप द बैंडवैगन। इसका अर्थ होता है जॉइन अदर्स इन डूइंग और सपोर्टिंग समथिंग फैशनेबल और लाइकली टू बी सक्सेसफुल, यानी कुछ फैशनेबल या सफल होने की संभावना को करने या समर्थन करने में दूसरों से जुड़ना। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं और हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब गो अप। गो अप का अर्थ होता है टू बिकम हायर इन प्राइस लेवल अमाउंट, टू राइज यानी मूल्य स्तर मात्रा अधिक का बढ़ जाना, यानी ऊपर की ओर जाना, यानी ग्रो करना। गो अप का अर्थ होता है ग्रो करना, बढ़ना। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं और हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब गो अप। गो अप का अर्थ होता है टू स्टार्ट बर्निंग सडनली एंड स्ट्रॉन्गली, यानी एकाएक तेजी से जलने लगना। शायद ये पीछे हो गया हमने गो अप। इसका दो अर्थ होते हैं, गो अप का हम एकाएक तेजी से जलने के भी सेंस में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं और हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ग्रो अप। ग्रो अप का अर्थ होता है टू डेवलप इनटू एन अडल्ट या टू मॉइस्चर, बड़े होकर युवा हो जाना, यानी परिपक्व हो जाना। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं और हमारा नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है डन और गिवन फ्री ऑफ चार्ज, यानी बिना पैसे के ही किया गया या प्राप्त निशुल्क बिना मूल्य। यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेट्स। यानी डन और गिवन फ्री चार्ज, यानी बिना पैसों के कोई काम करना
को हम बोलते हैं ग्रिड्स। नेक्स्ट चार्ट चलते हैं और हमारा नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ लिस्ट ऑफ स्पेशल और यूजुअल वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स यूजुअली दैट द एंड ऑफ अ टेक्स्ट और बुक, यानी विशेष या असामान्य शब्दों की अर्थयुक्त सूची, तो इसको हम बोलते हैं ग्लोसरी। ग्लोसरी यानी अ लिस्ट ऑफ स्पेशल और यूजुअल वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं और हमारा वर्ड नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द वे दैट इज डेवलपमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स इज कंट्रोल्ड बाई क्वालिटीज दैट हैव बीन पास्ड ऑन द पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, यानी आनुवंशिकता विज्ञान या जनन आनुवंशिक, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का अर्थ होता है आनुवंशिकता विज्ञान। ये आज की हमारी लास्ट की स्लाइड थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।